साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम समझेंगे प्रखर दो ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 8 के अंतर्गत कार्य पत्रक 42, 43, 44 और आकलन पत्रक 7। चलिए शुरू करते हैं। कार्य पत्रक 42, पेज नंबर 57। दक्षताएं, कहानी द्वारा शब्दों के प्रासंगिक संदर्भ और अर्थ को समझ पाना। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक नदी के किनारे ताड़ का बारीक पेड़ था। वह बहुत मोटा और मजबूत था। उसके निकट ही सरकंडे के कुछ पौधे उगे हुए थे जिनके तने नर्म तथा लचीले थे। एक दिन जोर की आंधी आ गई। ताड़ का पेड़ खूब मजबूत होते हुए भी बीच में से टूट गया तथा सरकंडों के पौधों के बीच जा गिरा, परंतु सरकंडों के पौधों को किसी प्रकार की कोई हानि न हुई। यह देखकर वह हैरान हुआ और वह उनसे पूछने लगा, क्या कारण है कि नर्म और कमजोर होने पर भी आंधी तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकी, जबकि मजबूत होते हुए भी मैं टूट गया हूँ। ताड़ भाई, आप अपनी शक्ति की अकड़ में झुके नहीं और टूट गए, परंतु हमने नर्म होने के कारण झुककर आंधी की प्रभुता स्वीकार की और सुरक्षित रहे। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नीचे दी गई जानकारियों में से सही जानकारी चुनिए। प्रश्न एक, नदी के किनारे किसका पेड़ था? ताड़। प्रश्न दो, ताड़ के निकट कौन से पौधे उगे हुए थे? सरकंडे। प्रश्न तीन, ताड़ के पेड़ की विशेषता क्या है? मजबूत। प्रश्न चार, नर्म और कमजोर होने पर भी आंधी सरकंडों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्यों? क्योंकि नर्म और कमजोर होने के कारण सरकंडे के पौधे आंधी के साथ झुक गए, इसलिए वे टूटे एवं उखड़े नहीं। प्रश्न पांच, आंधी ने ताड़ के पेड़ को क्या नुकसान पहुंचाया? आंधी के कारण ताड़ का पेड़ बीच में से टूट गया। प्रश्न छः, सरकंडे के पौधे की विशेषता बताएं। सरकंडे के पौधे पतले व नर्म होते हैं, इनमें लचीलापन पाया जाता है। यह था कार्यपत्रक 42। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 43, पेज नंबर 58। दक्षताएं, प्रामाणिक सामग्री पढ़कर परिस्थितियों का विश्लेषण कर पाना। शरीर के बहुत से अंग ऐसे भी हैं जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं। इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। इन्हें हम अपनी इच्छानुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रियाएं ऐसी मांसपेशियों द्वारा की जाती हैं जो हमारी इच्छा से नियंत्रित होती हैं। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियाँ हैं। इनमें आँखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियाँ सम्मिलित हैं। ये मांसपेशियाँ तभी तक सशक्त और समर्थ बनी रहती है जब तक इनसे काम लिया जाता रहता है। अब इसके आधार पर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न एक, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अ, अंगों की गति किसके द्वारा होती है? ख है, मांसपेशियों द्वारा। ब है, हम अपनी इच्छानुसार किसे सिकोड़ या फैला सकते हैं? ग इसका सही आंसर होगा, मांसपेशियों को। स है, मांसपेशियों द्वारा कौन सी क्रियाएं की जाती हैं? चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न दो, दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक या दो पंक्ति में दीजिए। क, व्यायाम करना क्यों आवश्यक है? व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ख, क्या हमें योगासन भी करना चाहिए? लिखें, हाँ हमें योगासन भी करना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लिख सकते हैं योगासन हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अगला
प्रश्न तीन, वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। कहें मुझे सफेद घोड़ा अच्छा लगता है, सफेद। हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए, 10 किलो। पिताजी कुछ खिलौने लेकर आए हैं, कुछ। मुझे लाल गुलाब पसंद है, लाल। दिवाली के मेले में बहुत भीड़ थी, बहुत। ये था कार्यपत्रक 43। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 44, पेज नंबर 59। दक्षताएं, प्रामाणिक सामग्री पढ़कर परिस्थितियों का विश्लेषण कर पाना। सांची की पहाड़ियों के बीचों बीच विशाल अर्ध गोलाकार गुंबद के रूप में एक स्तूप स्थित है। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसके शीर्ष पर कटग्रह नुमा दीवारें जिसे वेस्टनिक कहते हैं। इसके मध्य एक के ऊपर एक तीन छतरियां हैं। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ हैं जो पत्थर की वेस्टनी से गिरा है। इस पर चढ़ने के लिए दक्षिण दिशा में दो सीढ़ियां हैं। स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक और वेस्टनी है जिस पर चार प्रवेश द्वार हैं। इनकी ऊंचाई 10 मीटर है। ये प्रवेश द्वार बालू पत्थर से बने हुए हैं। यहाँ महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह हैं। वृक्ष उनके ज्ञान और उनके निर्वाण के प्रतीक हैं। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। प्रश्न एक, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अ, प्रदक्षिणा पथ पर चढ़ने के लिए किस दिशा में सीढ़ियां हैं? दक्षिण। ब, स्तूप के प्रवेश द्वारों की ऊंचाई लगभग कितनी है? 10 मीटर। स, वृक्ष किसके ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है? महात्मा बुद्ध के। प्रश्न दो, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बलुआ पत्थर, वेस्टनी, महात्मा बुद्ध। क, प्रवेश द्वार बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। ख, प्रतीक चिन्ह महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं। ग, स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक और वेस्टनी है। प्रश्न तीन, अगर आप अपने परिवार के साथ दर्शनीय स्थल पर हैं और भीड़ के कारण परिजनों से बिछुड़ जाते हैं तो आप क्या करेंगे? हम वहां पुलिस या सहायता केंद्र की मदद लेंगे। हम हमेशा परिवार वालों के मोबाइल नंबर याद रखेंगे तथा परिवार वालों को फोन करेंगे। यह था कार्यपत्रक 44। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन पत्रक 7, पेज नंबर 60। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारी ट्रेन सुबह 7 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पहुंच गई। स्टेशन के बाहर बोर्ड पर लिखा था आमची मुंबई। पूछने पर पता चला आमची शब्द मराठी भाषा का है जिसका अर्थ होता है हमारी। नए शहर में गाइड कर लेना समझदारी होती है। मुंबई की सैर का श्री गणेश हमने श्री सिद्धि विनायक दर्शन के साथ किया। गाइड ने बताया मुंबई महानगर का नामकरण मुंबा देवी के नाम पर किया गया है। मुंबई महानगर अरब सागर के किनारे पर है। यहाँ का स्वादिष्ट भोजन बेलपुरी और बड़ा पाव है। मुंबई शहर के पास ही एलिफेंटा की गुफाएं हैं। समुद्र के किनारे प्रसिद्ध ताज होटल हैं। मुंबई को बॉलीवुड उपनाम से भी जाना जाता है। मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी भी है। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न एक, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बाहर बोर्ड पर लिखा था आमची मुंबई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है हमारी मुंबई। प्रश्न दो, मुंबई शहर का नाम किस देवी के नाम पर पड़ा? मुंबा देवी के नाम पर। प्रश्न तीन, महाराष्ट्र की सीमा से कौन कौन से राज्य जुड़े हुए भारत के राजनीतिक मानचित्र में देखें तो इसे गुजरात, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। प्रश्न चार, मुंबई भारतीय चलचित्र का जन्म स्थान है, इसे किस उपनाम से जाना जाता है? इसे बॉलीवुड उपनाम से जाना जाता है। प्रश्न पांच, मुंबई के लोग खाने में क्या पसंद करते हैं? बेलपुरी और वड़ा पाव। प्रश्न छह, सागर और नदी में क्या अंतर है? लिखिए। नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानों में बहती हुई अंत में सागर में मिलती है। नदी का पानी मीठा जबकि सागर का पानी खारा होता है। प्रश्न सात, मुंबई में गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, उसी प्रकार आपके शहर में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? लिखिए।
तो हमारे शहर में दीपावली, दशहरा, होली, गणगौर इत्यादि त्यौहार मनाए जाते हैं। ये था आंकलन पत्रक 7। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्य पत्रक 42 से 44 और आंकलन पत्रक 7 समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएं। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।